इंसान के इमाम को अली कहते हैं। अली को ज़रा नज़दीक से समझना है तो थोड़ी सी आज के दौर की भी मिसाल दे दूं। 100 साल के अंदर ह्यूमन हिस्ट्री में, इंसानों की तारीख में 100 साल के अंदर जो सबसे बड़ा करिश्मा हुआ उसे इंटरनेट कहते हैं। मानते हैं या नहीं मानते? नहीं माने तो मिसाल बदल दो। 100 साल के अंदर ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ उसे इंटरनेट कहते हैं। उसने कासिद लफ्ज डिक्शनरी का अधूरा कर दिया। उसने खत लिखना और भेजना ख़त्म कर दिया। इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा माहौल आया कि साहब आपने, वो कमाल की बात है, आपका मौला जब बता रहा था क़यामत के नज़दीक की अलामतें तो उसमें कह रहा था कि कासिद ख़त्म हो जाएंगे, ख़त और किताबत का सिलसिला जो चलता है वो बंद हो जाएगा। ये इस बात की अलामत नहीं कि मौला बता रहा था कि ईमेल शुरू हो जाएगा? क्या ये इस बात की तरफ इशारा नहीं कि मौला कह रहा था कि ई कॉमर्स आ जाएगा? समझ में आ रही ना बात आप? तो हुजूर इंटरनेट आ गया। इस 100 साल की सबसे बड़ी इंसानी तरक्की और इर्तका का नाम है इंटरनेट, और इंटरनेट में सबसे बड़ी खोज का नाम है गूगल। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा और ये जवान नौजवान तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, गूगल ने जो सबसे बड़ा इनकलाब किया उसका नाम है गूगल मैप। उसने जमीन के नुक्ते को नुक्ते से जोड़ दिया। पता नहीं इस नुक्ते को समझ पाओ तो नुक्ता मुकम्मल हो जाएगा। गूगल ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि जमीन के नुक्ते को नुक्ते से जोड़ दिया। 2022-2023 गूगल ने 9000 से ज्यादा कर्मचारी बाहर निकाले। इससे अंदाज लगा लिए कितने कर्मचारी काम कर रहे होंगे। महसूस कर पा रहे हैं आप? कंपनी दुनिया में जब सब बंद हो रही थी गूगल तरक्की कर रहा था, क्योंकि उसने बाजार से जुड़े हुए काम नहीं किए थे, इंसानों से जुड़े हुए काम किए थे। महसूस कीजिएगा मेरे जुमलों को जो मैं कह रहा हूं। बाजार बंद होती है, इंसानियत बंद नहीं होती। दवा का लेना देना इंसान से है, बाजार से नहीं। यह और बात है कि जानवरों ने इसे बाजारी बना दिया है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गूगल ने सबसे बड़ी कोशिश यह की कि जमीन को नुक्ते को, जमीन के नुक्ते को नुक्ते से जोड़ दिया। गूगल मैप, आपने पूछा फला जगह जाना है, बोले आराम से बैठिए हम पहुंचा देंगे, क्योंकि हमने उस जगह को अपनी डायरी में नोट कर लिया, हमें पता है वो कितनी दूरी पर है, कितनी नज़दीकी पे है, कौन सा रास्ता खुला है, कौन सा रास्ता बंद है, कहाँ से कितने मिनट लगेगा, कहाँ से कितना देर लगेगा, कहाँ से कितना घंटों का, कहाँ ट्रैफिक स्लो है, कहाँ ट्रैफिक ठीक चल रही है, कहाँ रास्ता बंद है, कहाँ मुश्किलात है। गूगल को सब मालूम है, गूगल को सब मालूम है, गूगल को सब मालूम है। मगर गूगल ने ज़मीन के रास्ते बताए, आसमान के रास्ते नहीं बताए। बहुत शुक्रिया, बेपनाह शुक्रिया आपकी मोहब्बत। महसूस किया आपने? गूगल ने करोड़ों अब जो खरबों डॉलर खर्च करने के बाद जमीन के रास्तों पे मदद की, आसमान के सिलसिले से कोई बात नहीं की। चलो मैं तुम्हें मदीने में एक घर में लेके चलता हूँ, जहाँ अबू तालिब का बेटा खड़ा हो के कह रहा है कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। आई दारी।